हाय, दिस इज एनएच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना सीखेंगे, जिसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसे बनाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं? इम्परेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर होता है, या इंट्रीटी है और रिक्वेस्ट है। इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं मेनली वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे सिट डाउन। कभी कभी ये प्लीज से भी शुरू हो सकते हैं, प्लीज, काइंडली और डू नॉट भी लगे रहते हैं। कभी नेवर से शुरू हो सकता है। ओके, तो हम इसे शुरू करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन हम आज बनाना सीखेंगे, जिसमें हमें सबसे पहली जो चीज ध्यान देनी है वो ये है, जैसे राहुल सेड टू मी, लिसन टू मी। तो इस पार्ट को हम रिपोर्टिंग क्लोज कहते हैं, या रिपोर्टिंग वर्ब का ये पार्ट है। ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेज भी हो सकता है, टेल के साथ ऑब्जेक्ट भी रहता है। जब इसको हम चेंज करते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब ये चेंज होता है, और ये चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस का सेंस होगा, यानी इम्परेटिव सेंटेंस का जो सेंस होगा। अगर आदेश का सेंस निकलता हो तो उस कंडीशन में हम ऑर्डर या कमांड लगाएंगे। जैसे टीचर अगर कहता है तो वो ऑर्डर है, बड़े कहते हैं ऑर्डर है। अगर कोई यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई अगर आर्मी ऑफिसर कहता है तो वो कमांड है, कोई किंग कहता है वो कमांड है। सलाह, एडवाइज्ड या सजेस्टेड लगाते हैं। अगर यहाँ पे सेड हो तो आग्रह हो तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे। गिड़गिड़ाने का सेंस आए तो बेग्ड या इंट्रीटेड लगाते हैं। इंट्रीटेड जैसे कोई प्रिजनर जो है जज से गिड़गिड़ाता है, तो उस कंडीशन में हम इंट्रीटेड लगाएंगे। चेतावनी के लिए वार्न लगाएंगे, और किसी चीज को हम जोर देकर अगर कहेंगे तो उसके लिए अर्ज लगाएंगे। तो यहाँ पे ये चीजें हमारी क्लियर हो गई। अगर यहाँ पे सेड टेल रिपोर्टिंग वर्ब में हो डायरेक्ट स्पीच में, जब इनडायरेक्ट में उसे चेंज करेंगे तो इन रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के हिसाब से हम चेंज करते हैं। दूसरी चीज, यहाँ जो वर्ब से शुरू होता है उस वर्ब को हम कैसे कैसे बदलेंगे, ये हम जब सेंटेंस पैटर्न देखेंगे तो उसमें उस चीज को हम डील करेंगे। ओके, यहाँ पे इतनी चीजें। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मेनली जो है सात तरह के सेंटेंस पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये सात तरह के सेंटेंस पैटर्न को आप सॉल्व कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इम्परेटिव सेंटेंस के कैसे कैसा भी क्वेश्चन हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। उसका नरेशन बदलने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। वैसे बेसिक लेवल में मैं चार सेंटेंस पैटर्न्स या स्ट्रक्चर्स को कवर करूंगा। तो सबसे पहला हम आते हैं, पहला जो है सेंटेंस पैटर्न हम शुरू करते हैं। इसमें जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, वो वर्ब से शुरू होते हैं और वर्ब के बाद कुछ अदर वर्ड्स होते हैं। ओके, जैसे अगर हम देखें, राहुल सेड टू मी प्ले द पियानो। ओके, ये जैसे हमारे पास है, राहुल सेड टू मी प्ले द पियानो। यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ये सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस, इसके सेंस को देखेंगे तो यहाँ पे कहने का सेंस आता है, तो कहने के सेंस में जो है हम इसे आस्क्ड में चेंज करेंगे। ओके, तो ये राहुल आस्क्ड मी, ये जैसे वर्ब से शुरू है इम्परेटिव सेंटेंस, जब इसे हटाते हैं इन्वर्टेड कॉमास को तो प्ले को हम टू प्ले, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, यानी प्ले को हम टू प्ले में चेंज करेंगे। वर्ब वन के पहले टू लगाएंगे, जो इन्फिनिटिव फॉर्म होता है, द पियानो। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे हो रघु
सेड टू हिम डू इट अगेन। ओके, तो यहां रघु सेड ये पार्ट को और इस पार्ट को हम देखेंगे। यहां पे डू इट अगेन आखिर सेंस क्या देता है, तो डू इट अगेन यहां सेंस ऑर्डर का देता है, तो ऑर्डर का देगा तो यहां पे हम ऑर्डर लिख देंगे, रघु ऑर्डर्ड हिम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, ये वर्ब है तो वर्ब के पहले हम टू लगाएंगे, टू डू इट अगेन। अगर द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, तो वहां ऑर्डर देना हुआ, तो जहां भी ऑर्डर देना होगा वहां पे हम ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा पहला जो है सेंटेंस पैटर्न्स ऐसा आएगा। दूसरे तरह के जो सेंटेंस पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, वो नेगेटिव सेंटेंस होंगे, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेज होंगे, जो मेनली डू नॉट या डोंट से चेंज होंगे, सॉरी डू नॉट या डोंट से शुरू होंगे। दूसरा ये नेवर से शुरू होंगे। इन्हें हम तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं। डू नॉट वाले सेंटेंस को तीन तरीके से, नेबर वाले सेंटेंस को जस्ट हम आगे देखेंगे। पहला तरीका जो होगा, पहले मैं एक एग्जाम्पल यहां लिख दूं, मदर मदर सेड टू द चाइल्ड डोंट प्ले इन द सन। ओके, पहला जो तरीका होगा, पहले तरीके में हम डू नॉट को नॉट में बदलेंगे। ओके, ये आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो चेंजेस होंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच को हम इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम चेंज करेंगे, तो डू नॉट को नॉट बदलेंगे और वर्ब जो है टू वर्ब ही रहेगा। ओके, दूसरा तरीका जो होगा, रिपोर्टेड ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेड टू को फोरबिड में बदलेंगे, तो सेड का फोरबिड होगा, फोरबिड फोरबिड और फोरबिडन। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर नॉट डू नॉट को हटा देंगे। ओके, और नेगेटिव वर्ड भी हटा देंगे। दूसरा, तीसरा जो चेंज होगा, प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड लगा सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहां ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब का, ऑब्जेक्ट के बाद यहां फ्रॉम होगा और वर्ब का चौथा फॉर्म होगा जो वर्ब आईएनजी है, अब बनाते हैं इसे हम। तो मोहन मदर सेड टू द चाइल्ड डोंट प्ले इन द सन। तो पहला जो है डू नॉट में, नॉट में जो चेंज करते हैं उसमें होगा मदर सेड टू, यहां पे टोल्ड या आस्क्ड दोनों में से जो भी चाहे हम लगा सकते हैं, आस्क्ड द चाइल्ड। ओके, डू नॉट को नॉट में चेंज करेंगे, प्ले के पहले टू रखेंगे, टू प्ले इन द सन, पहला ऐसे बनेगा। इसे दूसरा हम कैसे बनाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब जो है फोरबिड में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा मदर फोरबिड, मदर फोरबिड द चाइल्ड। ओके, अब टू वर्ब रखेंगे तो ओनली टू प्ले इन द सन। ओके, तीसरा जो है ये मदर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड में चेंज करेंगे, मदर प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड, मना करना प्रोहिबिटेड द चाइल्ड। उसके बाद फ्रॉम लगाएंगे और फ्रॉम के बाद वर्ब जो है वर्ब को हम आईएनजी में बदल देंगे, यानी वर्ब फोर में बदल देंगे, तो प्लेइंग हो जाएगा इन द
सन। तो इस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब नेवर को चेंज करते हैं, जितने भी आएंगे निगेटिव में ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। अब नेवर पे आते हैं, अगर नेवर हो तो क्या करेंगे, जैसे द फादर सेड टू द बॉय, ओके नेवर गो देयर, ओके इसे जब चेंज करेंगे तो सिर्फ इसको जब चेंज करेंगे तो बॉयज के जस्ट बाद नेवर को लिख देंगे और यहां पे वर्ब वन टू गो कर देंगे, यानी इन्फिनिटिव फॉर्म कर देंगे, वर्ब वन के पहले टू लगा देंगे। तो ये हो जाएगा द फादर टोल्ड या ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लगा देते हैं, ऑर्डर्ड द बॉय नेवर टू गो देयर, ओके ये हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंसेज को हम जब चेंज करेंगे। अब तीन नंबर में देखते हैं, तीन नंबर सेंटेंस पैटर्न को। तीसरे नंबर का जो सेंटेंस पैटर्न होगा, इसमें जो है इनडायरेक्ट जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर प्लीज काइंडली सर मैडम लगा हुआ रहेगा, प्लीज काइंडली सर मैडम मैम इस तरह के जो हैं वर्ड्स लगे रहेंगे। इन्हें हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज हेल्प मी, ये अगर मान ले हम है यहां पे तो इसे जब चेंज करेंगे हम, ओके तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसे हम रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड, और प्लीज काइंडली सर मैडम इन सारे वर्ड्स को जो है हम हटा देंगे और सेम वर्ब का जो है पहला फॉर्म उसके पहले टू लगाएंगे यानी इन्फिनेटिव। तो ये हो जाएगा द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प हिम, मी जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो द बॉय जो है वो ही, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो हिम होता है। तो यहां पे हम इसे ऐसे चेंज कर सकते हैं, अगर प्लीज हेल्प मी की जगह यहां पे होता हेल्प मी सर या प्लीज हेल्प मी सर, तो उस कंडीशन में भी प्लीज को और सर को हटा देते और ऐसे ही हम चेंज कर देते, ओके। अब चौथे तरह के जो सेंटेंस पैटर्न देखने को मिलेंगे वो डू वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स होंगे, ये जोड़ डालने के लिए इनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कम हियर का मतलब यहां आओ, डू कम हियर जरूर यहां आओ, डू लगाते हैं वर्ब के पहले, डू सी, ओके। तो इसे जब हम चेंज करेंगे, जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, ही सेड टू मी डू सी मी, डू सी, ओके। तो जब इसे हम चेंज करेंगे तो ये डू जो है ये वर्ब वन है और उसके पहले डू लगा हुआ है, तो इस डू को हम रिमूव कर देंगे, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा ही टोल्ड मी या आस्क्ड मी, ही टोल्ड मी टू सी, ये ऐसे चेंज हो जाएगा, ओके। यहां पे डू जो है हम बिल्कुल हटा देंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, डू मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल ना हो, जैसे डू इट, तो यहां पे डू चेंज नहीं होगा क्योंकि मेन वर्ब है। अगर इसके पहले जैसे यहां पे गो होता डू गो देयर,
तो उस कंडीशन में डू को हम हटाते, यहाँ पे डू को नहीं हटाएंगे। तो ये बेसिक लेवल में हम चार तरह के सेंटेंस पैटर्न को देखा इंपरेटिव सेंटेंस में, और चार और बाकी जो तीन तरह के होंगे इसे हम एडवांस वीडियो में देखेंगे। एडवांस नरेशन जो इंपरेटिव सेंटेंस को हम चेंज करेंगे उसमें हम देखेंगे।